हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार, अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको ऐसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो कि आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर, एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए, वो है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। कौन कौन से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप, मिडिल, लोअर, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से बंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये डायरेक्ट फॉर्म में पूछते हैं और कई बार केस स्टडी की फॉर्म में पूछते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है, ठीक है? आप जोन से भी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पता होने चाहिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस पे कई बार केस स्टडी बनती है, बहुत बार इस पे केस स्टडी आती है, तो आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पता होने चाहिए क्या क्या रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन देम। कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपको बताने। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की ट्रिक भी है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की भी ट्रिक है, कि कैसे आप इसको इजिली लर्न कर सकते हो। मैं पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें सारी बिजनेस स्टडीज की ट्रिक्स रहने वाली हैं, ठीक है? फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन टेलर एंड फॉल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट करो टेलर और फॉल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन इससे बनता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है कि लिमिटेशंस क्या क्या होती है प्लानिंग की, ठीक है? सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? 5 से 6 डिफरेंसेस मिनिमम लर्न करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या डिफरेंसेज होते हैं? अगेन 5 से 6 डिफरेंसेज आप लोगों को मिनिमम लर्न करके जाने हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के प्रोसेस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है? नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है, आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। अगेन आपको ये जो क्वेश्चन आता है वो 4 से 5 नंबर का आता है, अच्छे से इस नीड्स को सारी की सारी अच्छे से पढ़ लेना। केस बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर आता है, कई बार इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन आया, कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है? टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप आर देयर। कितनी टाइप की लीडरशिप होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट है, इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इलेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस दोनों को अच्छे से याद कर लेना। थर्टींथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजंस। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उनको अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करना है। फोर्टीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास शेयर्स इशू करने के लिए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। फिफ्टींथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में कम से कम 5 डिफरेंसेस लर्न करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है चारों पता होना चाहिए आपको, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, चारों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अच्छे से इनको पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। ये 18 के 18 क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट बोल रहा हूँ। काफी सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी और इन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, केस स्टडी हो गए, सब में आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट निकल के आ रहा तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक दिया, आप लोग इसको देख सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।